ईशान भाई भाई आपसे मिलना था। अरे भाई मिलना था आपसे भाई। ईशान भाई, ईशान भाई, यार देख लो ईशान भाई। कैसे हो दोस्तों, एक और व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज हम हैं बरेली में ईशान अली भाई के घर के सामने। तो फाइनली गाइस जैसा कि आप जानते हैं शॉर्ट्स की दुनिया के ये बेताज बादशाह हैं। इनका जो नंबर आता है ना शॉर्ट लिस्ट में 7वें नंबर के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं। चलिए गाइस चलते हैं आज इनके घर और उनसे बात करते हैं और आज इनको आज मतलब आपको उनका घर दिखाते हैं कैसा जर्नी रही। सिल्वर प्ले बटन, डायमंड प्ले बटन, मतलब सब कुछ बना के रखा भाई ने। तो फाइनली चलते हैं इस गेट के अंदर और आपको मिलवाते हैं ईशान अली भाई से, एजाज अली भाई से और उनकी पूरी टीम मेंबर से। तो फाइनली चलते हैं, आ जाइए भाई। तो फाइनली गाइस ये जैसे कि आप देखते हैं ये है स्टूडियो और इसी के अंदर ईशान अली भाई, एजाज अली भाई दोनों लोग बैठे हुए हैं। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो फाइनली गाइस बरसों का सपना पूरा हो गया और हम हैं आज ईशान अली भाई के स्टूडियो पे। ओ भाई, तो आज हम बात करने वाले हैं इनकी जर्नी के बारे में, क्योंकि हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे ना आदमी क्या होता है, सक्सेस ही देखना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे स्ट्रगल, लाइफ कितना स्ट्रगल किया वो कोई नहीं देखना चाहता। वो लगता है अरे भाई ईशान भाई इतना पैसा कमा रहे, कार में घूम रहे हैं, बाइकों में घूम रहे हैं, आज अच्छी लाइफ स्टाइल, हम भी ऐसा बनेंगे। लेकिन उनके पीछे 6 साल का जो स्ट्रगल था वो कोई नहीं जानता, वो सिर्फ ईशान अली भाई जानते हैं, एजाज अली भाई जानते हैं, उनके पेरेंट्स जानते हैं और उनके दोस्त जानते होंगे। तो आज इसी टॉपिक में आज हमारे ईशान भाई, एजाज भाई बताएंगे कि भाई मैंने स्ट्रगल किया है, कैसे ठोकरें खाई हैं, गली में हमें कैसे फेस किया है। तो इसके बारे में आज ऑडियंस को थोड़ा बताइए कि मतलब वो जर्नी कैसे रही। आज 2 करोड़ के सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल था उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वो जो सफर था बहुत ज्यादा दुखों का भरा हुआ था। ऐसा था कि लोग तरह तरह की बातें बनाते थे कि ये पागल हो गया है, इसकी दवाई कराओ, अब पता नहीं क्या क्या हरकतें करता रहता है, डांस करता है, गाने गाता है, कैसी कैसी शॉर्ट फिल्में वो बनाता है। तो लोगों को मेरा जो जो भी काम है वो पसंद नहीं आता था। मेरे ख़ानदान में मैं पहला पर्सन हूँ जिसने एक ये ख्वाब देखा कि आई वॉन्ट टू बी एक्टर। तो इसलिए लोग बहुत ज़्यादा शॉक थे कि अरे यार ये क्या एक्टिंग वैक्टिंग करेगा, और हमारे ख़ानदान में अब तक किसी ने नहीं कि वक्त ज़ाया करेगा अपना और एक दिन जो है बर्बाद हो जाएगा ये। लेकिन जब ये ख्वाब मैंने अपने घर पे बताया कि मैं आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर, तो घर वालों ने मुझे सपोर्ट की, मुझे समझा कि हाँ चल अच्छा है, अगर तू करना चाहता है तो कर, ट्राई कर। तो फिर मैंने बरेली में 3 साल थिएटर ज्वाइन कर लिया, 3 साल तक थिएटर करता रहा। फिर मैं 2013 से 16 तक थिएटर किया मैंने। थिएटर करने के बाद मैं मुंबई गया, 2 ऑडिशन मैंने वहाँ दिए और दोनों ऑडिशन में बुरी तरह से मैं फेल हो गया। तो फिर मुझे लगा कि अभी शायद और सीखने की ज़रूरत है। अच्छा, मुझे कभी भी यूट्यूबर नहीं बनना था, मैंने कभी दिमाग में नहीं था, नहीं बिल्कुल भी दिमाग में नहीं था कि यूट्यूबर बनना है। हाँ, मैं सोचता था फिल्म वगैरह बनाऊंगा। फिल्म से भी पहले मेरा ख्वाब था कि मैं सीरियल करूँगा, सीरियल में बहुत मन लगता था मेरा। तो फिर मुंबई में ही एक्टिंग का डिप्लोमा लिया और 2017 तक मुंबई रहा मैं, फिर घर आ गया। घर आने के बाद फिर यूट्यूब पे ही मैंने खुद के कैरेक्टर को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल बाद चैनल चलने लगा 2021 में। चैनल जो आपने कब क्रिएट किया, 2016 में क्रिएट किया था, उसके बाद गुरु का वो कितने, 5 साल के बाद ये लो भाई। यहाँ भाई 1 साल में लोग हार मान जाते हैं, यहाँ 5 साल लगा भाई। और जो आजकल चल रहा है, आजकल तो बहुत सस्ते वीडियो बन जा रहे हैं, मेरे उस वक्त में जो एक वीडियो हुआ करता था उसमें 20-25 हज़ार रुपये खर्च होते थे। अच्छा, कैसे मैनेज करते थे? मैं ट्यूशन पढ़ाता था, 7-8 हज़ार रुपये वहाँ से इकट्ठे करके 3-4 महीने रुकता था, इकट्ठे करके उन्हीं रुपये को हो गए, अगर 20-20 हज़ार रुपये हो गए तो उन्हीं रुपये से वीडियो बना लेता था अपना, क्योंकि सॉन्ग्स वगैरह जो थे वो महंगे बनते थे। तो एजाज भाई आपने एक्टिंग कहाँ सीखी यार, क्योंकि आपका आजकल आप बहुत सुर्खी बटोर रहे हैं, दामाद जी मतलब छा गए हैं, तो क्या आपने भी भाई का डिप्लोमा लिया या कि भाई ने सिखाया? कोई डिप्लोमा नहीं लिया है, जो कुछ सिखाया मेरे भाई ने, ईशान ने सिखाया। ओ
मतलब इंजीनियर हूँ यार। तो आज आप पूरी दुनिया इंडिया में दामाद जी के नाम से फेमस है, तो कैसा प्राउड फील होता है यार दामाद? बहुत बहुत बढ़िया। गली मोहल्ले वाले तो सिर्फ मतलब परेशान करते हैं यार दामाद जी आगे। नहीं इतना नहीं, इज्जत देते हैं वो लोग, प्यार करते हैं सब लोग दामाद जी। और आपकी माशाल्लाह शादी भी हो गई है, तो वहाँ का क्या माहौल है, वहाँ भी क्या आपको दामाद जी या बेटा कैसे क्या बोलते हैं? बहुत प्यार करते हैं वो लोग भी, और दामाद जी भी कहते हैं बहुत प्यार से, डरते भी हैं थोड़ा। वाह 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 भाई, डरते भी। तो ईशान अली भाई, मतलब कुछ जो नए यूट्यूबर हैं, जो आजकल यूट्यूबर बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? भाई जो भी काम कर रहे हैं, नए यूट्यूबर हैं जो यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं, तो वो लोग अपना जो भी उन्हें काम करना है एक प्री प्लानिंग ज़रूर करें, और प्री प्लानिंग करने के बाद आप वही काम करते चले जाएँ, चिंदी चोरी ना करें कि अगर कोई बंदा बना रहा है ये प्रोजेक्ट तो आप वो बनाने लगे। आप जब उसके लायक हो ही नहीं तो आप कैसे बना लोगे? आपका पैसा भी जाया जाएगा और वक्त भी जाया जाएगा, इसलिए चिंदी चोरी छोड़ देगा अगर बंदा तो सक्सेस यूट्यूबर बन सकता है। तो बस देख सकते हैं भाई, इतना लंबा स्ट्रगल पीरियड, 6 साल स्ट्रगल किया, देन उसके बाद सक्सेस मिली। यहाँ तो भाई हम लोग 1 साल करते हैं यार, 20 दिन में हार मार जाते हैं लोग, यार व्यूज नहीं यार छोड़ो। तो कहा मतलब आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा कि भाई अगर सक्सेस बनना है तो पहले स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। भाई आइए आप अपने टीम मेंबर्स से मिलवाते हैं, जो उनके टीम मेंबर्स हैं जो काम करते हैं, क्योंकि क्या होता है एक वीडियो के पीछे खाली एक इंसान की मेहनत नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारे इंसान की मेहनत होती है, जो कि शायद पर्दे के पीछे कुछ इंसान काम करते हैं, जैसे हमारे फिरोज भाई, उनको आप बहुत ही कम देखा होगा, लेकिन ये पर्दे के पीछे भाई पूरी एडिटिंग, कैमरोग्राफी, आज मैंने अपने आंखों से देखा है फिरोज भाई कैसे हैं, और ये मैम है हमारी महक जी, वालेकुम सलाम, क्योंकि आपने इनको ही ज़्यादातर वीडियो में देखा होगा, और मैंने काम भी देखा, मॉर्निंग एडिटिंग कर रही है, वीडियो में भी आती हैं, तो कैसे कर लेती हैं मैम? हो जाए, कब से काम कर रहे हैं आप? 1.5 साल हो गया। तो एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा आपका? मतलब फिरोज भाई, आप जो है एडिटिंग के कोर्स डिप्लोमा करके किया या? नहीं, मुझे ईशान भाई ने, ईशान भाई ने बताया सारा कैमरा उनका सब दूरी चलाना है, क्योंकि मैं मेरे बचपन का दोस्त हूँ, तो हम लोग पहले जॉब करते थे, हम बना भाई ने बोला तुम मेरे साथ सीखूंगा, क्योंकि अपना अपना होता, अपना अपना होता भाई, घर के होते चले जाते, चले जाते थोड़े अपना होते, भाई ने मुझे सिखाया, आज जो भी हूँ भाई के साथ हूँ, और मोहब्बत है, ऐसा नहीं है कि एक काम कर रहे हैं, एक अपना समझ के काम करते हैं, साथ में रहते हैं, भाइयों के साथ रहते हैं। भाई आज मैंने भी फोटो देखा, कल भाई ने अपने फोन में सेव कर रखी ऐसी फोटो, मतलब बचपन की फोटो भाई के फोन में है, जो मतलब पहचान नहीं पाओगे कि ये भाई फिरोज भाई है और ईशान भाई है, मतलब एकदम से याराना है, आपस में कहीं जंगल निकल गए दोनों बैठे हैं, चिपके बैठे हुए हैं, कहीं पुशअप मार रहे हैं, तो मतलब एक अलग सा याराना है, और आज दोनों मिलकर एक यूट्यूब चैनल मैनेज करते हैं, भाई पूरा मैनेज करते हैं जीमेल वगैरह सब कुछ, तो भाई काफी अच्छा लगा। मैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये एक्टिंग आपने कहाँ से की, ईशान ने सिखाया या कहीं से आपने रिपोर्ट? ईशान भाई तो झंडे गड़ा रखे, ये भी लोग हैं यहाँ पर जो भी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, जावेद भाई हो गए, बहन हो गई, आमरा हैं, चचा हैं, बहुत सारे लोग 11 करेक्टर वो हैं जो इस समय काम कर रहे हैं, लेकिन कम से कम 8-10 करेक्टर जा चुके हैं, 8 जा चुके हैं, हाँ मतलब अपना चैनल कर लेंगे, जो भी चैनल चल रहे हैं लोगों के, मतलब ईशान भाई के थ्रू हैं, तो ईशान भाई ने सीखना सिखाया, क्योंकि दो ईशान भाई ने प्रोफेशनल बन गए, उन्होंने डिप्लोमा किया मुंबई से, एक्टिंग सीखी है, बाकी जो भी है वो किसी ने डिप्लोमा नहीं किया, तो ये आज ईशान भाई अलग मुकाम पे बदले हैं। तो भाई देखा भाई, तो ये हैं एडिटर साहब फिरोज भाई, जो कि जिगरी कलेजी वाले दोस्त है तुम्हारा, और ये महक जी आपने वीडियो में देखा, बहुत सारे हैं, बहुत बढ़िया लड़की है, बहुत बढ़िया है, ईमानदार है, और बहुत आदत की बहुत अच्छी है ये, और 1.5 साल हो गई ये थे, 2 साल लग रही है, और बहुत मोहब्बत है हम लोगों में, सब ठीक है, एकदम बहन की तरह रहती है, यहाँ पर हम लोग भाई हैं तो सपोर्ट करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हम लोग साथ में काम करते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा इनकी टीम मेंबर से मिलकर ईशान भाई की लाइफ स्टोरी, जो कि आपने कभी नहीं जानी होगी, जो 6 साल का स्ट्रगलिंग पीरियड था, देन उसके बाद मुंबई जाने का सफर, एजाज भाई का सफर, सब कुछ इस वीडियो में मैंने कवर कर दिया, आशा करता हूँ आपको ये मजा आया होगा, और इस जर्नी का देख सकते हैं कितनी मोहब्बत वाली जर्नी है, और काफ़ी लोग छोड़ कर जा चुके हैं, क्योंकि क्या होता है इंसान के अंदर तकबर घमंड आता है, अगर कोई इंसान जो मैनेजर होता है वो इज्जत दे दे तो सोचता है कि यार नहीं अब हम ही हैं, अगर उनको कोई डायलॉग जैसे मान लीजिए फिरोज भाई, उनको हम डायलॉग बता दें, मगर मैनेज करने वाला तो मैं हूँ ना, ईशान भाई ना, तो घमंड नहीं आना चाहिए ना, तो वही सीन यहाँ पर, घमंड किस बात का, जाना है ना, कुछ लेके जाना है ना, ना। कुछ नहीं लेके जाना, हमें घमंड भी लेके नहीं जाना, सही बात, हमें मोहब्बत छोड़ के जाना, वो मोहब्बत भी लेके नहीं जानी है, तब यह रहेगा, तो यार
कभी भी हो कोई भी हो, अगर आप बन गए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो जो हमें मिला है और उसकी कदर करो, इंशाल्लाह बहुत आगे तक जाओगे। देखो जो भी घमंड करके गए तो कोई बना नहीं, घमंड तो रावण का भी नहीं चला। बस इस ब्लॉग पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ईशान अली भाई के और इन सब टीम मेंबर्स के फैंस हैं असली वाले, हक से जो बोलते हो भाई, सब्सक्राइब कर देना। क्यों बोलते सब्सक्राइब टाटा।